हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज तारीख हो चुकी है 17 मई 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की वापस स्टार्ट होने की डेट और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन और भारतीय टीम के रिगार्डिंग 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट क्रिकेट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल के बड़े फैंस हैं, क्रिकेट के स्टार्ट होने का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी अपडेट्स हैं। तो सबसे पहली अपडेट निकल कर आती है IPL 2021 में दो नई टीमों के टेंडर को लेकर। अब अगर आप लोग हमारे चैनल के एक्टिव व्यूवर हैं तो लगातार पिछले काफी दिन से हम आपको अपडेट पर अपडेट दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिलने वाला है IPL 2022 का, वो एक्चुअली टाइम से काफी पहले हो जाएगा, क्योंकि BCCI बाद में काफी ज्यादा बिजी हो जाती है। तो इनिशियली उन्होंने प्लान किया था कि इस चीज को, वो जो दो नई टीमों का टेंडर है, अब टेंडर का मतलब हम आपको पहले भी काफी बार बता चुके हैं कि टेंडर का मतलब है उस टीम के बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, यानी कि उनके ओनर्स को ढूंढना, उन पर कितना पैसा लगेगा, कितने पैसे की वो टीम होगी, कौन कौन से प्लेयर्स उसमें होंगे, इन सब की डिटेलिंग। तो इन सब को पहले BCCI मई के महीने में करने वाली थी, लेकिन अब BCCI ने इसको जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया है। और ये IPL के लिए बहुत अच्छा साइन है। ये ऐसा क्यों है और आखिर क्यों अब IPL सितंबर से भी जल्दी होने वाला है, ये आपको हमारी वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन गाइस, फिलहाल दो नई टीमों के टेंडर को जुलाई तक के लिए BCCI के द्वारा पोस्टपोन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। और आकाश चोपड़ा ने MS धोनी की जीनियस कैप्टनसी के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, जो कि अगर आप लोग CSK के फैंस हैं तो आप लोग इस चीज से अग्री करेंगे। दरअसल आकाश चोपड़ा ने बताया है कि IPL 2020 में CSK की टीम के काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस के बाद जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने यही बोला था कि CSK की टीम जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और इनकी टीम में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जब नीलामी हुई भी थी तो उसमें हमें CSK का जो मैनेजमेंट है, जो कि चुपचाप बैठा रहता था, वो काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आया था। लेकिन गाइज, आकाश चोपड़ा ने बताया कि MS धोनी ने बहुत ही ज्यादा स्मार्टली CSK की पूरी टीम को रिटेन कर लिया। यानी कि अगर आप लोग नंबर 1 से नंबर 11 तक देखो तो सिर्फ अगर आप एक मोइन अली को छोड़ दो तो बाकी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि नया उनकी टीम में आया हुआ है। इवन जो नए परचेस किए हुए प्लेयर हैं वो भी बाहर ही बैठे हैं। तो आकाश चोपड़ा ने बताया कि इस तरीके से स्मार्टली MS धोनी ने बाकी सभी टीमों के दिमाग में बात भी डाल दी कि CSK की टीम चेंज हुई है, और एक्चुअल में उन्होंने अपनी टीम में कोई भी चेंज नहीं किया। सेम प्लेयर्स को बैक करके MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स से इस तरीके का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस करवाया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग महेंद्र सिंह धोनी को IPL की हिस्ट्री का बेस्ट कैप्टन मानते हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि IPL से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। और ये आता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की फिक्सिंग का सबसे ज्यादा काला मुकाबला, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट को काफी ज्यादा डीपली फॉलो करते हैं तो शायद आप लोगों को याद होगा कि हमने जो सैंड पेपर इंसिडेंट देखा था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में जो फिक्सिंग हुई थी, वो अब एक बार फिर से हमें यहाँ पर ऊपर उठने हुई स्टार नजर आनी हो गई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो कि कैमरन बैनक्राफ्ट, जो कि इस चीज में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अब बताया इतने टाइम बाद कि सिर्फ वही प्लेयर्स जिनको सजा मिली वही इस पार्ट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि और भी प्लेयर्स हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्राइम बॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के कोचेस भी इस चीज़ में शामिल हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है और बताया जा रहा है कि अगर ये अपनी ज़बान खोलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूरा का पूरा क्रिकेट बोर्ड है वो इस चीज़ की चपेट में आ सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है इंग्लैंड के प्लेयर्स की तरफ से। अब ECB IPL और इंग्लैंड के प्लेयर्स के ऊपर इस तरीके से डोल रहा है जैसे कि उनका कोई भी स्टैंड नहीं है। पहले इन्होंने बोला था कि इंग्लैंड के प्लेयर्स IPL में आने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन गाइज अब रिपोर्ट ये है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो IPL का पार्ट हैं
वो न्यूजीलैंड की सीरीज को मिस करेंगे। अब अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखो तो इसमें बहुत ही तगड़ा हिंट है आईपीएल को लेकर। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज होनी है वो 2 जून से होगी, और अगर ये प्लेयर्स उसको मिस करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जून में ये किसी और लीग में खेल रहे होंगे और वो लीग होगी आईपीएल 2021। हम आपको लगातार चैनल के ऊपर बता रहे हैं कि जून की विंडो अभी भी ओपन है, जून की विंडो में भी आपको आईपीएल देखने को मिल सकता है, और ये न्यूज इस चीज को कहीं ना कहीं कंफर्म करती है कि बीसीसीआई और ईसीबी के बीच में लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है जून में आईपीएल करवाने को लेकर। यही वजह है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 5वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकलकर आती है मुंबई इंडियंस के क्रुणाल पांड्या की तरफ से। क्रुणाल पांड्या ने अभी तक मुंबई इंडियंस की हिस्ट्री में काफी बड़ा उनका योगदान है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं मेगा ऑक्शन के हिसाब से देखें तो अब क्रुणाल पांड्या का पत्ता मुंबई इंडियंस की टीम से साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इसकी झलक तो हमने आईपीएल 2021 में ही देख ली थी, जहां पर अपनी स्लो बैटिंग की वजह से और कहीं ना कहीं बॉलिंग की वजह से भी क्रुणाल पांड्या को खुद मुंबई इंडियंस के फैंस के द्वारा ही काफी ज्यादा ट्रॉल किया गया था। अब अगर ये मिनी ऑक्शन होता तो शायद वो रिटेन भी हो जाते, लेकिन मेगा ऑक्शन होने की वजह से एमआई की टीम में क्रुणाल पांड्या से कहीं बड़े 5 प्लेयर्स मौजूद है, तो इनके ऊपर ये आरटीएम भी नहीं लगा सकते, जिसका मतलब है क्रुणाल पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस की टीम के हाउस होल्ड नेम है, वो आपको इस टीम से रिलीज होते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 6वीं बड़ी अपडेट के बारे में। अब थोड़ा सा खबर को लेकर चलते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ, क्योंकि आईपीएल से पहले वही चीज होने वाली है, और गाइस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारतीय टीम का शेड्यूल आउट हो चुका है, जहां पर भारतीय टीम 19 मई से आप लोगों को अपना क्वारंटीन करते हुए नजर आएगी, जहां पर मुंबई में इनका क्वारंटीन स्टार्ट होगा। तो 14 दिन का तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्वारंटीन होगा, उसके बाद जब ये इंग्लैंड जाएंगे तो वहां पर इनका 2 से 3 दिन का क्वारंटीन होगा, प्रॉपर इनकी कोरोना की टेस्टिंग भी की जाएगी 2 से 3 बार, और उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होंगे। दरअसल भारत में इनका क्वारंटीन इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि हार्ड क्वारंटीन इनका भारत में ही कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद अगर ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो फिर इनको वहां हार्ड क्वारंटीन से नहीं बल्कि सिंपल 2-3 दिन के क्वारंटीन के बाद प्रैक्टिस की अनुमति दी जाए, वरना बिना प्रैक्टिस के हमें मैच खेलना पड़ जाता। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकलकर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से। परसों वाली वीडियो में हमने आपको खुद बोला था कि ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से हमें रिलीज होते हुए नजर आ सकते हैं युजवेंद्र चहल के साथ, क्योंकि जो इक्वेशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। वहां पर हमने आपको ये तो क्लियरली बता दिया था कि युजवेंद्र चहल मोस्ट प्रोबेबली बाहर होने वाले हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर हमने आपको बोला था कि प्राइस टैग की वजह से वो फंस सकते हैं, क्योंकि अगर वो नीलामी में जाते हैं और अगर उन पर इनसे भी ज्यादा बड़ी नीलामी हो जाती है जितनी अभी उनके ऊपर ऑलरेडी है, तो फिर आरसीबी की टीम ही उल्टा फंस सकती है। तो अब ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है आरसीबी की टीम उनको रिटेन कर ले, क्योंकि एबी डिविलियर्स एक फॉरेन प्लेयर है और एक और फॉरेन प्लेयर को आरसीबी की टीम रिटेन कर सकती है, और करेंटली अगर आरसीबी के स्क्वाड में देखा जाए तो मैक्सवेल के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिनको रिटेन करना चाहेंगे। जितनी उनकी कॉस्ट है उसके हिसाब से तो ग्लेन मैक्सवेल रिटेन हो सकते हैं, क्योंकि आरसीबी की टीम को कहीं ना कहीं ये डर जरूर है जिस तरीके की फॉर्म में मैक्सवेल ने हार्ड पिचेस के ऊपर खेला है, चेन्नई की पिच पर उन्होंने रन किए हैं, उस हिसाब से अगर वो चल जाते हैं तो फिर 14 करोड़ रुपए का जो ये इनकी डील है ये इससे कहीं ज्यादा में बिक सकते हैं ऑक्शन में उनके फॉर्म को देखते हुए। यही वजह है कि आरसीबी की टीम अब ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करना चाहती है, तो फंस गई है आरसीबी की टीम। कमेंट करके आप लोग बताइए अगर आप लोग आरसीबी के फैंस हैं क्या मैक्सवेल को रिटेन किया जाना चाहिए या फिर नहीं। दोनों पहलू हमने आपको बता दिए, पैसे के भी और उसके साथ ही मैक्सवेल की फॉर्म के भी। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में। तो एक और पॉजिटिव अपडेट आप लोगों के लिए आईपीएल के रिगार्डिंग निकल कर आ चुकी है, जहां पर लगातार हम आपको बता ही रहे थे कि जून विंडो अभी क्लोज नहीं हुई है, और गाइज अब एक और अच्छी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग आई थी आईसीसी की तरफ से, जहां पर बताया गया था कि 21 जून से 30,000 लोगों को अलाउ किया जाएगा, और ये 30,000 लोग ही वो रीज़न है जिसकी वजह से यूएई के ऊपर इंग्लैंड को प्रायोरिटी मिली है वेन्यू की वजह से। सौरभ गांगुली यही चाहते थे कि क्राउड के साथ ही आईपीएल हो, अगर वो भारत में आईपीएल नहीं कर पा रहे हैं तो जो भारत वाला लॉस है वो चीज़ वो रिकवर करेंगे क्राउड के टिकट के पैसों से, और यही वजह है कि वो आईपीएल को क्राउड के साथ करवाना चाहते हैं। तो इंग्लैंड में जून की विंडो परफेक्ट फाइन नजर आ रही है, अगर बीसीसीआई झोंका पाती है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को तो जून में ही आप लोगों को आईपीएल देखने को मिलेगा। तो गाइज ये वीडियो इन तक थी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।